सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड में तत्कालीन गुजरात सरकार को भले ही क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन जस्टिस एचएस बेदी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो सूबे के पूर्व मुखिया नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर हुए थे। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल विवादों से जुड़ा रहा है। मामला चाहे गोधरा कांड का हो, इशरत जहां मुठभेड़ हो या फिर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का, तत्कालीन सरकार हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। सरकार पर आरोप लगे थे कि उसके कार्यकाल में पुलिस ने फर्जी मामलों में फंसा कर विशेष समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया था। 2002 से लेकर 2006 के दौरान गुजरात में 17 मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस बेदी की अध्यक्षता वाली मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी और उन्हें इन 17 मुठभेड़ों की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसमें 17 में से 3 मुठभेड़ों को जस्टिस एचएस बेदी जांच कमेटी ने फर्जी घोषित कर दिया है। शीर्ष अदालत में दाखिल करने के करीब एक साल बाद खोली गई कमेटी की रिपोर्ट में समीर खान, कासिम जाफर और हाजी इस्माइल के मुठभेड़ को फर्जी माना है। साथ ही इन मुठभेड़ों में शामिल रहे 3 इंस्पेक्टरों समेत कुल 9 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश की है। हालांकि उन्होंने इन मुठभेड़ों में आईपीएस अधिकारियों की भूमिका को लेकर कोई सिफारिश नहीं की। बताया जा रहा है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछले साल फरवरी में एक सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को सौंपी थी, जिसके बाद गुजरात सरकार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी कि कमेटी की फाइनल रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील ठुकराते हुए रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। वहीं अब ये कमेटी अन्य केसों की जांच भी करेगी। हालांकि कमेटी ने गुजरात सरकार पर कुछ गंभीर आरोपों को खारिज भी किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।